हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल से जावास्क्रिप्ट को इनेबल या डिसेबल कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा। आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, स्किप करिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। गाइस, इसके लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। नाउ गाइस, आपको यहाँ पर साइन इन होने के बाद राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग से लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा वेट करके नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर साइड सेटिंग्स लिखा आपको मिल जाएगा एडवांस्ड पर, आपको इस पर क्लिक करना है। ना गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, मेरी पहले से अलाव है, मैं इस पर क्लिक करके देखिए ये अलाव पहले से इनेबल है। आप चाहे तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, तो इनेबल कर लीजिएगा, मैं इसे डिसेबल ही रहने देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने मोबाइल से जावास्क्रिप्ट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है। आपको थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज मिल सकता है शायद, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, से ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।